बहुत अच्छी सिक्योरिटी के साथ इस ट्रेन में हम आए हैं भाई साहब, तब अच्छे से बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो के बाद में। वेब 4 तो ये जो आप मुझे खुश दे रहे हैं, तो ये इस टाइम पे हम पहुंच चुके थे 31 अगस्त को मेरठ लखनऊ वंदे भारत से लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर। लेकिन हमारी जो मेन कंसर्न था वो था कि लखनऊ से हम वापस कैसे आएं, जिसका हमें इन बिटवीन मिड ट्रेन में हमें जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बताया कि आप लोगों के लिए रिटर्न जर्नी की व्यवस्था कर दी गई है रेलवे के द्वारा, जो कि होगी लखनऊ मेरठ सिटी दिल्ली स्पेशल ट्रेन, स्लीपर ट्रेन होगी और एसी कोचेस उसमें हम लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये हुआ भी। जब हम 8 बजे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए तो हम वहां पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी ड्यू टू, क्योंकि उस दिन लास्ट एग्जाम पुलिस का, यूपी पुलिस का लास्ट एग्जाम था, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और पुलिस ने पूरा व्यवस्था की हुई थी। तो जो वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई थी उससे जितने भी लोग निकले उनको प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर भेज दिया, क्योंकि वहीं पर खड़ी थी हमारी ये राजधानी स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन को हम लोगों ने नाम दिया था क्योंकि इस ट्रेन में सारे ही एसी कोच लगे थे, लगभग 10 कोचर ये ट्रेन थी। इस ट्रेन में एक जनरल कोच था जो कि स्पेशल जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए लगाया गया था, बाकी सब ऑफिशियल्स के लिए था। ये जो रेलवे ऑफिशियल इन्फ्लुएंसर मीडिया पर्सन थे सभी के लिए इस ट्रेन को व्यवस्थित किया गया था। इस ट्रेन में हमारे खाने और पीने की, यानी कि हमारे रात के डिनर की और सोने की सब पूरी तरह से व्यवस्था रेलवे ने की हुई थी, तो बहुत मज़ा इस ट्रेन में हमें आया। सारे जो इन्फ्लुएंसर थे उनके साथ में हम यहाँ पर आ चुके थे, थर्ड एसी हमें प्रोवाइड किया गया था। और क्या कितना मज़ा आया इस ट्रेन की जर्नी में हमें, वो आप लोग इस वीडियो में आप देखेंगे। कोई डीजल है शायद या तो MDI जो चलने वाला है। और हमारी जो ट्रेन है ये लगी है 04207 जो कि जाएगी वाया मुरादाबाद बरेली, मेरठ सिटी पर रिवर्सल होगा, उसके बाद पुरानी दिल्ली जाएगी। इन्फ्लुएंसर और मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए ट्रेन लगी है स्पेशल बाय रेलवे। और हमारे बहुत सारे साथी इसमें आ गए हैं जो कि जा रहे हैं वापस, जिनको जाना अलग अलग पंजाब और दिल्ली मेरठ सिटी, जैसे हमें जाना है। हमारे काफी साथी हैं, काफी लोग हैं, मेरा एक ग्रुप गैंग हमारा इस ट्रेन का, उसके बाद में मिलेंगे सीधा मेरठ सिटी। निकल रहे हैं लगभग 8 बजे से डिपार्चर, तो 20 मिनट लेट तो अभी हो गए हैं और 4:45 सुबह का इसका अराइवल है मेरठ सिटी पर। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं लखनऊ जंक्शन के, लखनऊ चारबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से निकल रही है हमारी। और यहाँ पर वंदे भारत खड़ी थी आई थिंक सो डेड एंड से, और शायद एक नंबर से निकली क्योंकि वंदे भारत खड़ी थी यहाँ पे और शायद उसको निकाल दिया, तो एक नंबर से निकलेगी। ओ भाई 11 एल को मिल रहा है लखनऊ का, 11353 एल को लोकोमोटिव खड़ा। लो भैया एक नंबर से निकाल रहे हैं एज एक्सपेक्टेड, जालिया जालिया जालिया। तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 से हम लोग निकल चुके थे 8:15 पर, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी क्योंकि वंदे भारत आई थी तो उसकी वजह से ट्रेन 9 पर खड़ी थी। उसके बाद में वंदे भारत को जो साइड लाइन किया गया, यानी कि उसको रेस्ट देकर शंट में भेज दिया गया, और उसके बाद हमारी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाई गई। लगभग 15 मिनट यहाँ पर ये ट्रेन खड़ी रही और उसके बाद 8:35 पर ये ट्रेन लखनऊ चारबाग के रेलवे स्टेशन चली। यहाँ पर आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है, ये सभी यूपी पुलिस के जो एग्जाम था वो कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने आए थे उन्हीं की भी ये भीड़ है। तो ये भी अपनी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे कि जगह जगह पे इन लोगों को जाना अपने अपने शहर पर, तो उसी के लिए ये लोग वेट कर रहे हैं। उसी की वजह से इतनी ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पर पुलिस की थी यहाँ पर, क्योंकि ये जो ट्रेन थी हमारी ये ऑफिशियल ट्रेन थी, तो इस वजह से इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी कि जो विदाउट परमिट लोग हैं वो इस ट्रेन में ना चढ़ सकें। तो इस वजह से इस ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ हम लोग यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकले थे। फिलहाल तो हम लगाए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो कि लखनऊ का मेन प्लेटफॉर्म है अराइवल और एग्जिट के माध्यम से। उस साइड में हमारी खड़ी थी वंदे भारत जिसको लगाया गया था मेन लाइन पर, जो कि एक मेन लाइन होती है बीच की प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है स्टूडेंट्स की। थैंक गॉड हमें यही कंसर्न था कि हम वहाँ से वापस कैसे आएँ, क्योंकि हर ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। श्रमजीवी एक्सप्रेस का हमने हाल देखा, नीचे तक उसमें लोग बैठे हुए थे, खड़े हुए थे पैदाइन तक। तो उसी का कंसर्न था कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी टिकट्स करा चुके थे, बट हमें इतना भरोसा कि रेलवे अगर हमें ले जा रहा है तो हमें लाने की व्यवस्था भी रेलवे ज़रूर करेगा, इतना भरोसा हमें था। और यहाँ पर फिलहाल हमें वाटर बॉटल प्रोवाइड कराई गई,
सबसे पहले ये हमारे जो सामने है ये मैडम है हमारे जो आप खड़े हैं सामने देख रहे हो, ये हमारा ग्रुप है इन्फ्लुएंसर का। और भी हैं अलग अलग सीट्स पे बैठे हैं जो अलग अलग सिटीज से आए थे मेयर सिटी लखनऊ वंदे भारत को कैप्चर करने। यहाँ पर हमने इतनी सारी बातें की रेलवे के बारे में, वंदे भारत के बारे में, उसके फूड, बहुत सारी बातें हमने की। हमें पता नहीं चला कि हमारा टाइम कैसे बीत गया। आगे जाके आप लोग देखें, फिलहाल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए बीकानेर वाले का डिनर स्पेशल डब्बा देंगे और सुबह तक पहुंचेंगे आराम से अपने डेस्टिनेशन पे। खाने की सब शुरुआत कर रहे हैं भाई। भाई इधर 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 भाई इधर इधर आराम से यार, दो आप थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भैया हमें मिला ये वाला और वहाँ पे बिकने खाना कैसा? सर बढ़िया है, बढ़िया है क्या खाया ना, मगर देखने वाला जरा टेस्ट करो। तो भैया खाना है गरम है, खाना गरम है। चलो यार खाना गरम है, थैंक यू। खोलो खाना, खोलो वाला खाना इम्प्रूव होगा और खाना गरम है फाइनली। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिल रहा है भैया, और क्या चीज है यार, जान लोगे। स्किपिंग सम स्टेशन माइट बी आलम नगर क्रॉसिंग, मैंने कौन सी ट्रेन है नाम भी नहीं लिखा यार, खाली ट्रेन है, मुझे लग रहा है एग्जाम स्पेशल नहीं। आवर डब्बा फ्रॉम दिस भाई, आगे सब दिखाना, हमने भी अपना डब्बा रिप्लेस कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं खाना अपना। सो एक बीकानेर का डब्बा वाला हमें सुबह मिला था और एक अभी मिला है, अब देखते हैं, हमने रिप्लेस कर दिया भैया, देखते हैं इसी को खा के अब। चलो इसको ओपनिंग करते हैं। 1 2 3 मैं हमारे पास है दोपहर से अलग रायता, मिक्स वेज, राइस और छना बर्फी, सैलेड, पनीर एंड दाल। ये फूड नाइट का ड्रिंक लेना, पनीर की सब्जी और ये दाल दोपहर वाली, राइस और ये है ये लगता है छेना बर्फी और ये रायता, ये मिक्स वेज। अब चॉइस करते हैं इसको। भाई खाना बढ़िया है, जबरदस्त है, बहुत ट्राई करते हैं भाई। कर दो एक मिनट, everything is fantastic, fantastic and fantastic, dinner is very 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 tasty। बंद कर। तो यहाँ पे इससे पहले जो आपने डब्बा देखा था जो डिनर थाली हमें सर्व की गई थी, मैंने उसको रिप्लेस किया बीकानेर वाले के, क्योंकि उसका फीडबैक लेने के बाद मुझे लगा कि वो खाना अच्छा है और ज़्यादा और गर्म भी था। तो मेरे जो आसपास के जो बैठे थे पैसेंजर, मेरे फ्रेंड्स बैठे थे, उनसे मैंने पूछा कि खाना अच्छा है गर्म है, तो मैंने इसलिए अपना डब्बा जो है रिप्लेस किया बीकानेर वाले से। एंड खाना रेडी बहुत अच्छा था, टेस्टी था, गर्म भी था, एवरीथिंग इज़ फैंटेस्टिक, बहुत बढ़िया था। जैसे कि आप मेरे एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, इससे पहले मैंने बताया कि खाना बहुत अच्छा टेस्टी था, हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी, चाहे वो वेजीज हो, पनीर की सब्जी हो, दाल हो, रोटी हो, राइस हो या फिर डेजर्ट हो, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो वैसा ही है, फ्रेश पनीर है, फ्रेश दाल, रायता, सब्जी, एवरीथिंग इज फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक एंड फैंटेस्टिक, सुपर फैंटेस्टिक। तो भैया पूरा खाना फिनिश कर दिया, बहुत टेस्टी खाना था, स्पाइसी भी, चटपटा, बिल्कुल बढ़िया, लाजवाब, 10 out of 10। वैरायटी भी है और वो वैसा है, अरे यार सब कुछ है क्या? हाँ दोबारा बोलना, स्टार्टिंग लंच यार रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कुछ, दोबारा बोलो। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी शुरुआत होगी या हाँ यार मिठाई है, सॉरी
पैकिंग हाँ भाई मुझे डर है कि मैं पैकिंग खोलू सारा मेरे ऊपर सर्जरी करनी पड़ी थी। वो कांटे का यूज करना पड़ा भाई खोलने के लिए उसे। इतना बुरा हाल था उसका। आप बताओ आपने नहीं खाया भाई? खा लिया। कैसा लगा? अनएक्सपेक्टेड। क्या टेस्टी खाना था भाई साहब, मजा आ गया एकदम मक्खन नंबर भाई साहब, एकदम मक्खन, दिल खुश। 10 out of 10 बिल्कुल बीकानेर वाला जैसा खाना होता है। नहीं रिप्लेस कर दिया मैंने उससे, रिप्लेस करा मैं बीकानेर वाला खाएं क्योंकि पहले फीडबैक लिया सबका। बाबा वालों ने खोल लिया था, उन्होंने बताया खाना गर्म है, अच्छा है खाना। बोला कि खाना अच्छा है गर्म भी है, तो इसलिए मैंने फिर वो वाला लिया। क्या हो गया? पहले तो लगा खाना ये अपरिचित वाला है भाई सच में। हाँ टावल नहीं होते लेके नहीं जाना। आए रब्बा माने। चलो भैया सबको खाना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा सबको खाना। 10 out of 10। हाँ जी भैया वैसे रेटिंग बताओ क्या दोगे? 10 out of 10 कितना रेटिंग दोगे इसको? 10 ही दोगे? 10 दोगे? 10 दिया करें। पनीर थोड़ा भी था, हल्का सा पनीर में सुबह मजा नहीं आया, मतलब ठीक था। वो पनीर के पीस ज्यादा बड़ा था ना, इस वजह से लगा वो शाही पनीर ऐसे होता है। तू बता भे डंटक आपका कैसा लगा? बढ़िया ना, अल्टीमेट बिल्कुल। यहाँ डेफिनेटली सही है भैया, खाने का सही स्वाद हाथ में ही है, और वो जब तक थाली साफ ना तब तक वो थाली अच्छी भी नहीं मानी जाती। वही सही, हमने भी साफ किया भैया, सबने साफ कर दिया। वो देखो सब साफ करे हुए हैं। ये देख क्या यहाँ से अभी खाने जा रहा है, ये देख कौन सी मुद्रा में बैठा हुआ है इंसान। भाई अलग ही लेवल चल रहे हैं इनके यहाँ पे। भट्टी लगवा दें तो 10 out of 10 फ्री ऑफ कॉस्ट के भैया। ये लेवल है, ये ऐसा होना चाहिए खाना लेवल रेलवे का, और अब यही लेवल है रेलवे का कि फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सारी सर्विस प्रोवाइड कराई चाहिए। जिनको लेके आए हैं वो उन्हीं को सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। तो ये है रेलवे की रियलिटी। तो चलो अपना बेड सेट करते हैं। कुशन कवर और ये बेडशीट और एक वाइट कवर भी, चार चीजें हमारे पास। और पांचवा है ब्लैंकेट भी है, कंबल भी है, इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं वैसे तो। चलो अभी रूट ध्यान रखते हैं, वो आ रहे हैं। रोजा जंक्शन। तो डिनर करने के बाद हमारा टाइम हो चुका था सोने का। जैसे मैंने आपको दिखा कि हमें पूरा पेट्रोल मिला था, जिसमें चादर बेडशीट टावल और ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ थे। रोजा जंक्शन हमने इससे पहले स्किप किया और अब हम पहुंच रहे थे बरेली पर, जहां पर हमारी खड़ी थी अयोध्या कैंट दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस, एक ही अयोध्या एक्सप्रेस भी, क्योंकि RS से होता है ट्रेन का रैक शेयरिंग होता है, तो दोनों ही ट्रेनें हैं। तो हम पहुंच चुके थे बरेली पर लगभग 10 से 15 मिनट की देरी से। थोड़ा बरेली से लखनऊ के बीच में DSR है ट्रेन का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल हम बाहर आए थे। थोड़ा कि बाहर को देख कि कैसा माहौल है, बट ज़्यादा नहीं क्योंकि भीड़ थी स्टेशन पर भी। तो ये था कि जो अनपरमिटेड लोग हैं वो शायद अंदर ना जाएं, तो इसलिए हमें बोला गया कि हम अंदर ही रहें, गेट को रात को ना खोलें क्योंकि काफ़ी डेंजरस हो सकता है, अनवांटेड लोग अंदर आ सकते हैं। इसके बाद हम वापस अंदर चले गए थे। बरेली के बाद मैं सोने और हमारे काफ़ी स्टेशन स्किप हो गए थे। मुरादाबाद हमारा अगला स्टॉप था लेकिन वो मिस हो चुका था, और मेरी जो आँख खुली वो खुली थी गजरौला से एक स्टेशन पहले जो हमने स्किप किया।
3:40 हो चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं हापुड़ जंक्शन में। पद्मावती स्टैंड के चले तो खटार उसने बना दिया स्टेज दोबारा काम मुरादाबाद में स्किप हो गया, रामपुर भी स्किप हो गया, अमरावती भी स्किप हो गया, रिलीज होते रह गए। तो ट्रेन हो गई, लेट हो गई थोड़ी सी, सोच रहा था कि पहले पहुंचे बट लचकन की देर मिली है हापुड़ मेरठ में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अपनी अगली ट्रेन है जो मुझे मेरठ से पकड़नी थी मुजफ्फरनगर के लिए, जो कि थी देहरादून एक्सप्रेस। बट क्योंकि इसके आगे सद्भावना एक्सप्रेस और पद्मावत एक्सप्रेस चल रही थी जो कि 10-10 मिनट की गैप में थी, तो हम पहुँचे थे करीब 3:15 पहुँच जाते हापुड़ स्टेशन पर, लेकिन उन दोनों की वजह से हम पहुँचे लगभग 40 मिनट ले, 3:55 पर हम चले थे हापुड़ स्टेशन से मेरठ सिटी के लिए। बट आगे आप देखिए कि मुझे ट्रेन मिलती है या नहीं मिलती है देहरादून एक्सप्रेस, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। देहरादून एक्सप्रेस का जो टाइम था लगभग 4:15 का था मेरठ सिटी पर, 4:00 था मेरठ सिटी पर, क्योंकि 4:45 का उसका मुजफ्फरनगर का टाइम है। तो देखते हैं कि हमें ट्रेन मिलती है देहरादून एक्सप्रेस मेरठ सिटी से या नहीं। सामने से आ रही थी वैगन 9 होल्ड करी हुई फ्रेट ट्रेन जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड पर थी, और इसके चलने के बाद क्योंकि हमारा जो ट्रैक पड़ेगा वो था हमारे राइट साइड में, तो इसके जाने के बाद ही हमें सिग्नल मिलता, और 3:45 पर हम पहुंचे थे हापुड़ जंक्शन पर, और 3:55 पर हम निकल चुके थे मेरठ सिटी के लिए हापुड़ के प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर हम निकल रहे हैं हापुड़ स्टेशन से। बिकॉज इसके आगे दो ट्रेनें चल रही थी 4:05 और 4:57, और उन दोनों की वजह से ये ट्रेन लेट हो रही है मुरादाबाद से जैसे ऑफिसर होगी चुके हैं, और हमारे पास भी 3 घंटे मेट बिटाने पड़ेंगे। 7 बजे से पहले योगा नहीं है, उसका भी देखना पड़ा कि कितना लेट करती है, टाइम पे आती है क्या करती है। फिर कोची वैली भी टाइम पे नहीं है, उसका भी टाइम 8:30 वैसे लेट जी शताब्दी के बाद ही मिलती है वो भी। 04207 लखनऊ मुरादाबाद मेरठ दिल्ली एसी स्पेशल। हम पहले आ गए मेरठ सिटी, और क्या टाइम हो रहा है 4:25। देहरादून को लेट कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का, नहीं दे जाएगा कि उन्होंने लेट करवाई, और हमें पहले एंट्री मिल गई है क्योंकि काफ़ी लेट थे हम, क्योंकि 14:205 और सद्भावना से क्या की चल रही थी हापुड़ तक लखनऊ से। हाँ सद्भावना भी आगे थी इसकी, 3 बजे सद्भावना निकली हापुड़ से, 3:35 पे निकली 14:205 अयोध्या वाली, और देहरादून आ रही है उस साइड में। तो देखते कौन से नंबर पे हमें अराइवल मिलेगा। एक नंबर पे जा रही है आ गई क्या? चलो भैया देहरादून भी आ ली है पैरेलली, इधर ही उतरना पड़ेगा। 4 पे 4 पे ले रहे हैं। काश इस जैसी प्रायोरिटी हर ट्रेन को मिले, जितनी स्पीड से आई है ना भाई साहब, धड़ाधड़ बढ़ते हो, और हाई प्रायोरिटी पे किसी भी ट्रेन को ओवरटेक नहीं दिया, दैट्स कमेंडेबल। तो इस साइड आएगा प्लेटफॉर्म, इस साइड आएगा 4 नंबर उधर ही। चलो भैया क्योंकि देहरादून इन्हें 3 नंबर पे लेनी है, और 5 पे ले रहे हैं, तो उस साइड यार उस साइड आ रहे थे। तो फाइनली हम देहरादून एक्सप्रेस से पहले पहुंच गए थे, क्योंकि गाजियाबाद से मेरठ के बीच में हर एक मेन लाइन पर खड़ी थी फ्रेट ट्रेन, तो लूप लाइन से निकाली गई थी देहरादून एक्सप्रेस, और हम पहुंच गए थे लगभग 4:25 पर मेरठ सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो इसी के साथ हमारे पूरे चांस थे, हमें मिल गई देहरादून एक्सप्रेस मुजफ्फरनगर जाने के लिए, वरना हमारे 3-4 घंटे वेस्ट हो गए, क्योंकि योगा और कोची वाली दोनों ही लेट थी उस दिन पर। एंड थैंक्स टू रेलवे की प्रायोरिटी पर ये ट्रेन चली, और हमें ट्रेन अपनी मिल गई, और समय से हम पहुंच चुके थे मेरठ सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। सुबह के 4:30 पर हम पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन मेरठ सिटी, ये देखिए सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 पे हम जा रहे हैं यहाँ पर।
कैसा है सुबह की 4:30 बजे मेट सिटी रेलवे स्टेशन का हाल, बिल्कुल सुनसान बट रोशनीदार है पूरा। ओके तो गाइस हम आ चुके हैं मेट सिटी जंक्शन अपने फाइनल, जहाँ से हमने शुरुआत की थी अपनी यात्रा की वंदे भारत में, वहाँ पे हम आ चुके हैं 4:30 बजे 04207 इस एसी स्पेशल। थैंक्स टू इंडियन रेलवे और अमृतसर जिन्होंने हमारे लिए स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट कराया और साथ में खाना और पानी वगैरह सब सारी चीज़ें व्यवस्था की। थैंक्स टू दैम, थैंक्स टू इंडियन रेलवे। और एंड करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे, क्योंकि हमें जाना है यहाँ से देहरादून एक्सप्रेस पकड़ के मुजफ्फरनगर, और ये ट्रेन थी करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोचर ये ट्रेन विद SLR एंड जनरेटर का। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में किसी बढ़िया ट्रिप में, ठीक है, जल्दी मिलते हैं किसी बढ़िया ट्रिप में, ठीक है, वंदे भारत के इनॉग्रेशन में। इस ट्रेन की जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं, और वैसे जो हमारी एंड होगी जर्नी वो मुजफ्फरनगर में होगी। तो बहुत मजा आया, 8 घंटे में इस ट्रेन ने हमें यहाँ पे पहुँचा दिया है, जो 04207 हमारे लिए स्पेशली अरेंजमेंट की गई थी, जो वंदे भारत में जिन्होंने ट्रैवल किया था, ऑफिशियल्स, मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सभी के लिए, स्टाफ वगैरह के लिए। और 8 घंटे पूरे हम यहाँ पे आए हैं हापुड़ मुरादाबाद और बरेली के स्टॉप के साथ में। तो भैया कैसी रही करंट जर्नी WDG? बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। वंदे भारत की बताओ पहले। वंदे भारत का एक्सपीरियंस भी अच्छा था, टाइम टू टाइम पर। और जो रिटर्न फैसिलिटी मिली, वैसे बढ़िया थी, खाना बढ़िया था, फैसिलिटी ट्रेन तो बहुत बढ़िया थी। 8 घंटे में लखनऊ से सीधा मेरठ सिटी, और विद 3rd AC हमें मिला था, और क्या चाहिए यार, पॉकेट में मिला सब, उससे बढ़िया तो और कुछ हो नहीं सकता। सारी रिटर्न फैसिलिटी और पूरी सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि एक उसमें कोच लगा हुआ था एग्ज़ाम स्पेशल का भी, स्लीपर का SLR, जिसमें एग्ज़ाम वाले बंदे भरे हुए थे। तो सेफ्टी के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ हम आए हैं मेरठ सिटी तक। तो यस, इट वॉज़ गुड एक्सपीरियंस इन 04207 एंड वंदे भारत एज वेल। सो बोथ ऑफ द ट्रेन आर तो यस विगत। तो थैंक यू इंडियन रेलवे फॉर अरेंजिंग दिस वंडरफुल facility for us, and yes, if you guys like, don't forget to hit like, share, comment, and do subscribe to the channel, and yes, stay connected with us for more lovely vlogs and short videos. Hi guys, Jai Shri Ram.